नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अनुमान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अनुमान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सही मायने में तहलका मचा करके रख दिया है। जो उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा कलेक्शन किया, और दोस्तों ना केवल तेलुगु में, ना केवल ओवरसीज में, बल्कि दोस्तों हिंदी ऑडियंस को भी, नॉर्थ बेल्ट में भी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और दोस्तों कमाल का धमाल का इसने कलेक्शन किया, ये सब बजरंगबली के हनुमान जी की महिमा है, जय श्री राम की एक कृपा है फिल्म के मेकर्स पे। और फिल्म बनाई भी उन्होंने वाकई अच्छी है। प्रशांत वर्मा, तेजा सज्जा को जिस प्रकार का रोल दिया गया, जिस प्रकार से जो फिल्म का क्लाइमेक्स है हनुमान चालीसा आती है, माइंड ब्लोइंग। दोस्तों ये फिल्म सुपर्ब ये मूवी है, और जिस प्रकार के विजुअल्स है, जिस प्रकार से थिएटर्स में जय हनुमान जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। और बॉलीवुड वाले इनसे सीख सकते हैं, साउथ वालों से, इस मामले में कि जब आप सनातन पर फिल्म बनाते हैं, जब आप भगवान पर फिल्म बनाते हैं, जब आप सनातन धर्म को पेश करते हैं फिल्म में, तो किस तरीके से पेश किया जाना चाहिए, अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस प्रकार से दिखाया जाना है, विशेषकर आदि पुरुष के मेकर्स डेफिनेटली से सबक सीख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आपको कलेक्शन बता देता हूँ। जो पेड प्रीमियम है, जो पेड प्रीमियर हुए थे फिल्म के, उससे 4.15 करोड़ की फिल्म रिलीज से पहले ही कमाई कर चुकी थी। डे वन को कलेक्शन है 8.05 करोड़ रुपीज। दोस्तों डे सेकंड को कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई, 12.48 करोड़ रुपीज का कलेक्शन आया है, क्योंकि दोस्तों काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को मिला। और इसके बावजूद आया कि गुंटूर क्रम एक बड़ी फिल्म, महेश बाबू की फिल्म है, इसके अलावा विजय सेतुपति, कैटरीना कैफ की फिल्म जो मेरी क्रिसमस है वो भी सामने थी, और दोस्तों साथ में कैप्टन मिलर धनुष की फिल्म, उसके बावजूद फिल्म का ये कलेक्शन काफी जबरदस्त रहा। दूसरे दिन दोस्तों जो 12.45 करोड़ का कलेक्शन है, उसमें तेलुगु में 8.40 करोड़, और दोस्तों हिंदी में 2.52 करोड़ का कलेक्शन आया। तो दोस्तों करीब करीब 2.50 करोड़ नहीं दोस्तों, ये करीब करीब 3.92 करोड़ का कलेक्शन दूसरे दिन देखने को मिला। और दोस्तों डे थ्री कल तो कमाल कर दिया फिल्म ने, कल संडे था कमाल कर दिया फिल्म ने, 16 करोड़ 94 लाख, मतलब कि करीब करीब 17 करोड़ का कलेक्शन कर फिल्म ने कर डाला है सभी भाषाओं को मिला करके, जो एक काफी बड़ा कलेक्शन कहा जाएगा। तेलुगु से फिल्म का कलेक्शन 10 करोड़ का आया कल, और हिंदी से 6.94 करोड़, 6 करोड़ 94 लाख, 7 करोड़ के लगभग कलेक्शन केवल हिंदी से। और दोस्तों ये मेरी क्रिसमस से भी ज्यादा है, गुंडू क्रम से भी ज्यादा है, कैप्टन मिलर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों करीब करीब 41.69 करोड़ रुपए का, करीब 42 करोड़ मानिए आप, 44 करोड़ का कलेक्शन शुरुआती 3 दिनों में ही फिल्म ने नेट कलेक्शन प्राप्त कर लिया, और फिल्म हिट साबित हो चुकी है 3 दिनों में ही, अपना बजट कवर कर चुकी है, 40 करोड़ फिल्म का बजट है। और दोस्तों जहां तक ओवरसीज की बात करें, तो 12 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ओवरसीज से कर चुकी है, तो इसका ग्रोस करें तो करीब 65 से 67 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है, मतलब। और आज ये फिल्म 70 करोड़ के, आज ये फिल्म 100 करोड़ की ओर अग्रसर होगी, 100 करोड़ आज ये फिल्म कर सकती है, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं लग रहा है। शो बढ़ा दिए गए हैं, शो इंक्रीज कर दिए गए सभी जगह, ना केवल तेलुगु में बल्कि हिंदी में भी काफी ज्यादा शो बढ़ा दिए गए हैं। थिएटरों की वैसी बहुत जबरदस्त थी, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी कल बहुत ही जबरदस्त थी, मॉर्निंग में 15.62%, आफ्टरनून में 34%, इवनिंग शो 40%, और नाइट शो दोस्तों 36% से भी ज्यादा प्रबंध हुए। और दोस्तों हिंदी में फिल्म अब तक 13 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है 3 दिनों में। और दोस्तों जहां तक आज की बात करें, तो आज भी ये फिल्म डेफिनेटली आराम से 15 से 16 करोड़, मतलब कल से तो कम कलेक्शन करने का सवाल ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आज फिल्म 18-19 करोड़ भी जा सकती है, क्योंकि आज भी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की हॉलीडे है, तो डेफिनेटली फिल्म हॉलीडे का आनंद लेगी। और आज अगर ये फिल्म कलेक्शन आता है, तो फिल्म का कलेक्शन कहीं ना कहीं दोस्तों ये मान लीजिए कि आप 57 करोड़ 58 करोड़ के आसपास हो जाएगा नेट कलेक्शन के मामले में। और अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म करीब करीब दोस्तों 95 करोड़ 100 करोड़ के आसपास ही जा सकती है, आज 100 करोड़ भी जा सकती है, अगर और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो फिल्म कुछ भी कर सकती है, क्योंकि फिल्म का बहुत बड़ा एक क्रेज चल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। जिस प्रकार से बजरंगबली हनुमान जी महाराज को दिखाया गया है, बस मजा आ जाता है, मतलब तो लोग इसके पीछे दीवाने हैं, ना केवल साउथ की ऑडियंस, ना केवल ओवरसीज की ऑडियंस, बल्कि हिंदी ऑडियंस भी फिल्म के प्रति पागल है। ये सब श्री राम का चमत्कार है, श्री हनुमान जी का महिमा है, कि अगर आप सनातन पे एक सच्चे मन से, एक सच्चे हृदय से फिल्म बनाते हैं, तो आपका बेड़ा पार लगना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।